लोकसभा चुनाव के सिर्फ एक साल रह गए हैं और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण स्टेट इलेक्शन भी होने वाले हैं। इस एक साल में मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया में बहुत नफरत फैलने वाला है। आप और हम भी इस नफरत के शिकार हो सकते हैं या हम इस नफरत को फैलने से रोक सकते हैं, नफरत की राजनीति को जीतने से रोक सकते हैं। आज इस वीडियो में नफरत से लड़ने के 5 उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। शुरू करते हैं उपाय नंबर 1 से। कोई भी भावुक करने वाली व्हाट्सएप फॉरवर्ड, कोई वीडियो, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखे जिससे आप में भी किसी व्यक्ति या संप्रदाय के खिलाफ नफरत की भावना जागे, तो पहले गूगल कीजिए। गूगल में उस पोस्ट के टॉपिक को डालिए और साथ में फेक या मिथ शब्द सर्च बॉक्स में डाल दीजिए। तुरंत आपको पता चल जाएगा ये सही है या फेक है। फेक न्यूज की पोल खोलने वाले बहुत सारे साइट है, जैसे कि ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, हाँ इनके हैंडल को भी फॉलो कीजिए। फेक न्यूज आप तक पहुंचने से पहले ही ये इसका खुलासा कर देते हैं, खंडन कर देते हैं। उपाय नंबर 2, एक बार आपको पता चल जाए कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फेक न्यूज शेयर कर रहा है तो चुप मत बैठिए, तुरंत उसको काउंटर कीजिए, उस फेक न्यूज का एनकाउंटर कीजिए। अगर आप चुप बैठेंगे ये सोचकर कि इसे मेरा क्या लेना देना है भैया, तो आप भी ऐसे फेक न्यूज फैलने के जिम्मेदार होंगे। झूठ और नफरत फैलाने वाले लोग तो दोषी होते ही हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं वो भी नफरत की राजनीति को पनपने में मदद करते हैं, इसलिए चुप बिल्कुल मत बैठिए। उपाय नंबर 3, एक चीज खुद को हर वक्त बोलिएगा, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको भी लगता है कि देश में नफरत की राजनीति बहुत बढ़ गई है, लेकिन कभी कभी आप भी झूठ और नफरत के बहकावे में आ जाते हैं, तो आप जैसे और भी बहुत हैं। ऐसे लोगों के साथ एकजुट होकर नफरत के खिलाफ खड़े होइए। एक बार आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके जैसे बहुत लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आवाज उठाएगा तो फिर हम भी साथ देंगे। और साथ देना जरूरी है, अकेले आप या मैं कुछ नहीं कर सकते। लोकतंत्र में बहुत लोग एक साथ आए तभी उनकी आवाज लोगों तक पहुंचती है, नेताओं तक पहुंचती है। एक साथ मिलकर सैकड़ों लोगों का एक स्वर में बुलंद आवाज कि हम नफरत नहीं, मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इसी से चलते हैं उपाय नंबर 4 पर। जिनके खिलाफ नफरत का प्रोग्राम चल रहा है उनके भी साथ खड़े होने की जरूरत है, ताकि उन्हें पता चले वो भी अकेले नहीं है। नफरत की राजनीति जिनको निशाना बनाती है, कभी कभी वो अपने आप में समा जाते, सिकुड़ जाते। अंग्रेजी में एक शब्द है इसके लिए, गेटोआइजेशन। अगर आप और हम नफरत के जो शिकार हैं उनके साथ खड़े होंगे तो उनको हौसला मिलेगा, उनका लोकतंत्र में भरोसा बढ़ेगा, और ये देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आखिर में उपाय नंबर 5, टीवी पर न्यूज देखना बंद कर दीजिए, गोदी मीडिया पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि टीवी न्यूज पर जो डिबेट होते हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज चलता है, जो हेडलाइन दिखते हैं, आप चाहे ना चाहे इन सब का आप पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, या आपके विचारों का एजेंडा सेट कर देता है। जब टीवी पर एंकर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो आप उसका मनी मन विरोध भी करें, फिर भी आप उस खबर को ज्यादा महत्व दे देते हैं। गोदी मीडिया का यही काम है, आपके सोच का एजेंडा सेट करना, ताकि आप दूसरे ज्यादा अहम मुद्दों से भटक जाए, उन पर सवाल ना करें। नफरत को हराने का सबसे बड़ा उपाय यही है, असली मुद्दे, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, पढ़ाई, इन पर सवाल करते रहना है, फिर नफरत की राजनीति अपने आप पीछे हट जाएगी। हाँ, ये आसान नहीं होगा, हर रोज लड़ना होगा, हर रोज कोशिश करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके इन 5 उपायों को अपने रोजमर्रा का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी हम मिलकर नफरत को हरा पाएंगे। आप, मैं और सभी लोग एक साथ एकजुट होकर ये वीडियो लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। लाइक बटन दबाइए और कमेंट कीजिए ताकि YouTube इसे दूर दूर तक पहुंचाए। अगली बार तक नमस्कार।